निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत। बस्ती जिले के हरैया थाना के अंतर्गत खम्हरिया गंगाराम में निर्माणाधीन मकान की दीवार में छत जा गिरने से दो मजदूरों की मौत। खम्हरिया गंगाराम गांव में रामसागर शर्मा के घर पर मकान का कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें कार्य करते समय दीवार में छत जा गिरने से दो मजदूर गंभीर रूप से घायल। घायलों को CHC हरैया लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रमेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान अशोक कुमार शुक्ल की मौत हो गई। अनिल शुक्ला, स्वतंत्र प्रभार बस्ती। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार कम हो और जनता का काम उनकी समस्याएं तत्काल निदान हो, लेकिन बस्ती जिले में मुख्यमंत्री का आदेश का कोई असर नहीं दिखता। यहां बगैर घुस के कोई कर्मचारी जनता का कोई काम नहीं सुनता है। बस्ती जिले के RTO ऑफिस के बाबू का लाइसेंस के नाम पर घूस लेने का वीडियो हुआ वायरल। RTO विभाग के अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं, सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कब सुधरेंगे और मुख्यमंत्री के आदेशों का कब पालन होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अनिल शुक्ला, स्वतंत्र प्रभात बस्ती। चलो इधर कहीं तो आए तो उधर बांध दिए हैं। हाँ रेट से अपन तो दे जाएं। ओं का अरे खाना ले लिया बच्चा हो यार तू। रथ अरविंद सिंह पटेल को अपना दल एस पूर्वांचल बोर्ड का सदस्य बनने पर कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। बस्ती जिले की हरैया विधानसभा के अंतर्गत पखेरी गांव के निवासी श्री पटेल का गृह जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने घघवा घाट पर फूलमाला के साथ किया जोरदार स्वागत। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दाव, हरैया में स्थित बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की स्तुति। श्री पटेल सन 1995 सेकंड पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, तब से लेकर आज तक पार्टी में बने रहे। अनिल शुक्ला, स्वतंत्र प्रभात बस्ती। कहीं ना कहीं इसको इस नजरिए से देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी के कई लोगों को बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोध का एक सीमा होता है, गहरा होता है, विरोध चलता है, बातें तो सब चलता रहता है। जहाँ परिवार होता है वहाँ बाप का बताना भी होता है, समझौते भी होते हैं। जिस तरीके से पूरी यूपी में 2 सीट देकर संतुष्ट किया गया, क्या आप इससे संतुष्ट? अभी ऊपर नेतृत्व का मामला है, लोग आपके आधार पर सहमत हुए हैं। ट्रैक्टर ट्राली के नीचे जाने से अधेड़ की मौत। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में आज फिर ट्रैक्टर से कुचलकर एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम हरकृष्ण पुत्र पुत्ती लाल 50 वर्ष निवासी ग्राम गजराजपुर थाना महमूदाबाद सीतापुर का बताया जा रहा है, और अपना ही आलू ट्राली में लाद कर कोल्ड स्टोर जा रहा था कि अचानक रास्ते में नींद जाने से ट्रैक्टर से नीचे गिरकर ट्राली का पहिया सिर पर चढ़ जाने से मौत हो गई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर महमूदाबाद पुलिस ने मृतक को टैक्सी की मदद से CHC महमूदाबाद पहुंचाया। बॉडी को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री पंकज कुमार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हरैया राहुल पांड्या, शिव प्रताप शुक्ला उप जिलाधिकारी हरैया, तहसीलदार हरैया जिसी मेहमत, हरैया थाना अध्यक्ष अनिल कुमार दुबे, मई फोर्स और SSP जवानों के साथ संवेदन और अति संभव तनशील स्थलों पर फ्लैग मार्च किया। सौरभ सिंह, स्वतंत्र प्रभात बस्ती। पहले मतदान बाद में जलपान के नारे के साथ प्रेस क्लब व प्रशासन ने निकाली मतदाता जागरूकता बाइक रैली। महोदा मुख्यालय के आल्हा चौक से DM सहयोग ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता बाइक रैली का शुभारंभ किया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी, इसके तहसील पहुंच समापन हो गया। DM ने पहले मतदान बाद में जल
ना का नारा देते हुए 29 अप्रैल को आयोजित लोकतंत्र के महायज्ञ में सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। बताया कि अब की बार मतदाता पर्ची के साथ आईडी भी साथ में ले जाना जरूरी है। मतदान केंद्रों में वीवीपैट मशीनें भी लगाई जाएगी, जिससे मतदाता अपना वोट देख सके कि सही जगह पहुँचा की नहीं। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, एक नए भारत का उदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और केवल हम नहीं, सब ये चाहते हैं कि फिर से देश में मजबूत सरकार बने। इसलिए कोई गठबंधन हो जाए, महागठबंधन हो जाए, ये गठबंधन नहीं है, स्वार्थों के बंधन है, जनता को ठगने के लिए ठग बंधन है। जो पानी पी पी के एक दूसरे को वर्षों तक कोसते रहे, अब हाथ मिला रहे हैं, बीजेपी तो हाथ मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे, और विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। एक नए भारत के निर्माण में मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उसके साथ सारा देश खड़ा हुआ है। अब हम सब चौकीदार, जुड़वा बच्चे की हत्या हुई थी, जुड़वा बच्चे की हत्या हुई थी, उसमें जांच पूरी नहीं हुई, और जो पुलिस जो सस्पेंड हुई तो उन्हें बहाल कर दिया। आबकारी टीम सहित कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ की छापेमारी। अवैध शराब भट्टियों पर प्रशासन ने चलवाई जेसीबी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लोकसभा चुनाव और होली त्योहार के नजदीक आते ही अवैध शराब कारोबारियों के अड्डों पर आबकारी टीम सहित पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर शराब की भट्टियों को जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों में दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। महोबा कोतवाली क्षेत्र के बिच्छू पहाड़िया लाल पहाड़िया इलाके में कई वर्षों से कबूतरा जाति के लोग बस्ती बनाकर रह रहे हैं और लगातार शराब बनाने का अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। कुछ समय पहले प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोग काल के गाल में समा गए थे। लोकसभा चुनाव और होली के त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के यहाँ छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की और शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया गया। पूरे शहर में चले सर चे अभियान में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव और त्योहार के मद्देनजर डीजीपी के आदेशानुसार छापेमारी की गई। इस दौरान शहर के लाल पहाड़िया आलपुरा बिच्छू पहाड़िया पर छापेमारी की गई है। इन सभी जगहों से हजारों लीटर शराब के साथ लहन भी मिला है। इसके साथ ही अवैध शराब के कारोबार को अंजाम देने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको जेल भेजा जाएगा। रायबरेली जिले के बछरावा व शिवगढ़ थाना क्षेत्र में कच्ची जहरीली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने जंग छेड़ रखी है। आबकारी विभाग के लगातार दबिश के चलते शराब कारोबारी दहशत में है। सुनील कुमार, स्वतंत्र प्रभात, रायबरेली। में किया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा फुट मार्च। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, चुनाव विभाग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, वैसे ही पुलिस विभाग भी और सक्रिय नजर आने लगा है। जगह जगह पर पुलिस और पुलिस का फुट मार्च रोजाना देखने को मिलता है। आज का फुट मार्च शाह कस्बे का है, जहां पर सीओ श्रीराम यादव, गाजीपुर थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह व चौकी इंचार्ज शाह डी डी वर्मा, थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य, बहुआ चौकी इंचार्ज किशन सिंह और करीब 5 दर्जन कांस्टेबलों ने मिलकर शाह कस्बे में फुट मार्च निकाला। सभी ने मिलकर ललौली थाना क्षेत्र के बनरसी गांव का भी भ्रमण किया। उसके बाद गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा शाह में भी भ्रमण हुआ। वहीं पुलिस कर्मियों ने गश्त के साथ साथ ग्रामीणों से यह भी पूछा कि वोट डालने में किसी को कोई समस्या तो नहीं है। लोगों ने बताया कोई समस्या अभी तक तो नहीं आई है और अभी तक के सारे चुनाव शांतिपूर्ण हुए हैं। पुलिस व्यवस्था लगातार जारी रही, साथ ही साथ गश्त के दौरान उन्होंने चुनाव संबंधी बैनर, झंडे और प्रचार सामग्री को हटवाया। ग्रामीणों द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरह के फुट मार्च की तारीफ की गई और पुलिस विभाग को ज्यादा सक्रिय बताते हुए गांव वालों में उत्साह दिखाया गया। पेश है विजय पाल की साहसी रिपोर्ट।